पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रयू शॉफर का दो रोज़ा दौरे कराची। नौजवान क़यादत, कारोबारी शख्सियात, अक़लियती बिरादरी से मुलाकातें। कहा, अमरीकी हुकूमत और आवाम हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पाक अमरीका तालुकात के फरोग का मिशन। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शॉफर का दौरा कराची। नौजवान क़यादत, कारोबारी शख्सियात, अक़लियती बरादरी, मालियाती शोबे और समाजी नुमाइंदगान से मुलाकातें की। अमरीकी हुकूमत और आवाम हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। एंड्रयू शॉफर का मुलाकातों के दौरान अज़्म। अमरीकी मिशन के नायब सरबराह ने जमहूरियत, मुआशी नमू, ख्वातीन की मुआशी खुदमुख्तारी के लिए अमरीकी काविशों को भी उजागर किया। एंड्रयू शॉफर ने वाजे किया कि मौसमियाती तब्दीलियों से तबाहकारियां हों या सैलाब के बाद बहाली का चैलेंज, अमरीकी हुकूमत ने हर मुश्किल में सिंध के अवाम का भरपूर साथ दिया है। 21.5 करोड़ डॉलर की माली इमदाद इस गैर मुतजलजल अज़्म की वाजे मिसाल है। एंड्रयू शॉफर ने अमरीकी एजेंसी बराए बैनल अक्वामी तरक्की के तआवुन से चलने वाली टेरी टेक्स इंटरनेशनल कंपनी का दौरा भी किया। वो पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर में लिंकन कॉर्नर भी गए। निजी और समाजी शोबे के नुमाइंदगान सनतकारों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारत और सरमायाकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। एंड्रयू शॉफर ने UNCHR के अहदेदारान से मुलाकात में अफगान पनाह गुजीनों के लिए इंसानी इमदाद और तआवुन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। एंड्रयू शॉफर पारसी बरादरी के अराकीन से भी मिले। उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को सराहा। पाकिस्तान के नौजवान शायरों के लिए अच्छी